नहीं छोड़ो यार, आज के इस वीडियो में इंट्रो लगाने का मन नहीं कर रहा है। गाइस क्या आपको पता है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ओल्ड फ्री फायर कम्युनिटी के ऐसे लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे ओल्ड फ्री फायर कम्युनिटी में ना होते तो अभी के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी का हाल कुछ और होता। और यही नहीं, मैं उन्हें बस ऐसे ही लेजेंड नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को उनकी बैक स्टोरी भी बताऊंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा काम क्या किया है जिस वजह से उन्हें ओल्ड फ्री फायर कम्युनिटी में लेजेंड्स कहा जाता था। लेकिन यार आज के टाइम पे जो न्यू फ्री फायर कम्युनिटी है उसमें इन लेजेंड्स को कोई नहीं जानता है। लिटरली गाइस बुरा लगता है यार, जिस बंदे के वजह से हम गेम खेलना शुरू किए, जिस बंदों को देख के हमने गेम में प्रो बनने की मोटिवेशन ली है, वही बंदे आज के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी से गायब हो गए हैं यार। एंड गाइस नंबर वन पे है ना, उसके बारे में सुनकर तो आपको ही बुरा लगेगा। मैं बता नहीं सकता, जो नंबर वन पे बंदा है ना उसके मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो चलो गाइस जानते हैं ये बंदे कौन है एंड इनकी बैक स्टोरी क्या है जिस वजह से इन्हें ओल्ड फ्री फायर कम्युनिटी में लेजेंड्स कहा जाता था। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। अब गाइस जो 5th नंबर पे बंदा आता है उसे सब हैकर कहा करते थे। वो भाई एक मोबाइल प्लेयर था लेकिन फिर भी उसे लोग हैकर कहते थे एंड इसी हैकर वर्ड ने उसे इतना पॉपुलर कर दिया कि फ्री फायर कम्युनिटी के बच्चे भी जाने लगे कि ये बंदा कौन है। मतलब आप खुद सोचो ना यार, आज से 3 साल पहले हमें ड्रैग हेडशॉट मारना भी नहीं आता था लेकिन फिर भी वो बंदा सबको वन टाइम मार के शॉक कर देता था। और सबसे बड़ी बात कि वो एक मोबाइल प्लेयर था। अब आप लोग समझ गए कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पे बात कर रहा हूँ राइस्टार की। लेकिन राइस्टार का डाउनफॉल कैसे हुआ? देखो यार, राइस्टार के मेन चैनल में जो सालों से वीडियो नहीं आई है एंड जो उनका सेकंड चैनल है राइस्टार लाइव, उसमें 7 महीने से एक भी वीडियो नहीं आई है एंड वो लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर रहे हैं फ्री फायर की। 2 महीने पहले एक लाइव स्ट्रीम किया था। मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि राइस्टार ने फ्री फायर कम्युनिटी को छोड़ दिया है। बट शायद यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जब राइस्टार ने मोबाइल से पीसी में शिफ्ट किया था उस टाइम पे काफी सारे राइस्टार के फैंस बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि राइस्टार पॉपुलर तो मोबाइल के गेम प्ले के वजह से हुआ था ना यार। और आप लोगों को ये नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉन्ट था या फिर नेम था वो राइस्टार नेम ही था। लेकिन आज के टाइम पे सिनेरियो चेंज हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने राइस्टार नेम चेंज करके कुछ और नाम रखना शुरू कर दिया है क्योंकि राइस्टार भी लॉस्ट लेजेंड की लिस्ट में नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ। गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो वन टैप हेडशॉट मारते हो वो आपने कहाँ से सीखा है, तो आप कहोगे भाई मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख के सीखा है। लेकिन यहाँ पे मैं 100% एक चीज आपको कह सकता हूँ कि आपने जिस यूट्यूबर को भी देखा है उसने खुद किसी और यूट्यूबर से देख के सीखा है। लेकिन आज के टाइम पे उस यूट्यूबर को कोई नहीं जानता है, स्पेशली जो न्यू फ्री फायर प्लेयर्स है वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ इसको ओल्ड फ्री फायर प्लेयर ही जानते हैं। उस बंदे को फ्री फायर कम्युनिटी का टीचर कहो, फ्री फायर कम्युनिटी का साइंटिस्ट कहो, क्योंकि पुराने टाइम पे जब लोग घिसे पीटे एक ही ट्रिक लाया करते थे, फास्ट ग्लू वॉल, सिटअप ग्लू वॉल, तो उस बंदे ने अपने टाइम से आगे एक ट्रिक लाया, वो है वन टैप हेडशॉट का। उस टाइम पे बहुत ही कम यूट्यूबर को वन टैप हेडशॉट मारना आता था। यूट्यूबर क्या भाई, बहुत ही कम प्लेयर को वन टैप हेडशॉट मारना आता था एंड इसी बंदे ने मेरे को भी खेलना सिखाया। मैं इनकी ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देख के सिखाऊं कि कैसे 1v4 में सिचुएशन को क्लच करना है और आप कैसे इंटेंस सिचुएशन में भी अच्छे से गेम खेल सकते हो। मैंने इनसे ड्रैग हेडशॉट सीखा है, मैंने इनसे वन टैप हेडशॉट सीखा है, मैंने इनसे फास्ट ग्लोल लगाना भी सीखा है। एंड गाइस यहां पे बात कर रहा हूं एरो गेमिंग की। आप सभी लोगों को पता होगा एरो अभी भाई और एरो ए के भाई दोनों चैनल को हैंडल करते हैं, तो यार ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं है कि भाई इसी बंदे ने सभी फ्री फायर कम्युनिटी के प्लेयर्स को खेलना सिखाया है, क्योंकि ये बंदा जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताता था वो कोई यूट्यूबर और बता ही नहीं सकता था। अभी के टाइम पे आप बहुत से यूट्यूबर को देख के उनका टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देख के खेलना सीखते हो, लेकिन कभी उन यूट्यूबर्स को पूछो कि आपने भाई खेलना कहां से सीखा, अगर उन्होंने एरो गेमिंग का नाम नहीं लिया तो मेरा नाम मनीष नहीं। लेकिन यार लोग अब खेलना सीख चुके हैं ना, तो अब टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखना क्यों पसंद करेंगे। लोगों को वन टैप मारना आ गया, लोगों को सिटअप ग्लू वॉल लगाना आ गया, लोगों को अच्छे से ड्रैग हेडशॉट मारना आ गया, तो आई थिंक यही रीजन है कि एरो गेमिंग जो चैनल है वो धीरे धीरे करके डाउन होते गया। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर की तरफ। अब गाइस 3rd नंबर पे कोई एक बंदा नहीं है, ये एक कम्युनिटी बनाया था एक बंदे ने। और पहले के टाइम पे अगर कोई गिल्ड बहुत ज्यादा फेमस था तो वो एक ही गिल्ड था। लोग उस गिल्ड में जाने के लिए लिटरली मरा करते थे, भाई मेरे को इसी गिल्ड में जाना है। आज के टाइम पे आप लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस है नए नए गिल्ड्स में जाने के। नॉनस्टॉप गेमिंग का गिल्ड हो गया, बहुत ही पॉपुलर है प्रो नेशन गिल्ड। और आज के टाइम पे काफी सारे प्लेयर ऐसे भी है जिनको वी बेस्ट प्लेयर के गिल्ड में जाना होता है। बट मेरे भाई पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम का ब्रांड हुआ करता था गिल्ड के नाम पे, वो है बॉस। अब इस पूरे गिल्ड को बनाने के पीछे एक ही बंदे का हाथ है, वो है जिग्स। लेकिन उस बंदे ने तो भाई सालों पहले गेम को छोड़ दिया था। अब गेम को छोड़ने के पीछे उनका पर्सनल रीजन भी हो सकता है, बट यार खुद सोचो ना यार, पहले के टाइम पे जो बॉस गिल्ड था उसका नाम इतना ज्यादा चलता था, तो अचानक से बॉस गिल्ड का डाउनफॉल कैसे हो गया? देखो यार इसके पीछे काफी सारे रीजन है। सबसे पहले बॉस गिल्ड के कुछ मेंबर्स ने स्कैम करना शुरू किया जिस वजह से बॉस का नाम खराब होना शुरू हुआ, और जिस बंदे ने बॉस गिल्ड को बनाया था उसने फ्री फायर को छोड़ दिया, तो लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे गेम में वी बैच आने लगे, और वी बैच आया तो काफी सारे यूट्यूबर्स को वी बैच मिल गया, तो वी बैच की तो ब्रांड वैल्यू पता ही है आप सभी लोगों को। वी बैच देख के लोग बौखला जाते हैं लिटरली, तो लोगों के पास एक नया ऑप्शन आने लगा, वो है वी बैच प्लेयर के गिल्ड में जाने का। और भी काफी सारे रीजन है गाइस, जैसे कि बॉस गिल्ड को मैनेज करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक बंदा नहीं था, और जिस वजह से बॉस गिल्ड फेमस हुआ था जो फाउंडर था बॉस गिल्ड का उसने गेम छोड़ दिया, तो लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट उठने लगा कि बॉस गिल्ड में भाई क्या होता है क्या
जाने ये भी नहीं पता। तो इस वजह से गाइस बॉस गिल्ड की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कम होने लगी। एंड आज के टाइम में आप सभी को पता है बॉस गिल्ड की हालत क्या है। वेल गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो GW चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे और भी सेट करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं गाइस सेकंड नंबर के बंदे की तरफ। और गाइस सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा दुख वाली जो कहानी है ना, सेकंड वाले बंदी की ही है। तो ये कहना गलत नहीं कि आज के टाइम पे हर एक बंदा हेडशॉट मारना चाहता है, आज के टाइम पे हर एक बंदा ड्रैग हेडशॉट मारना चाहता है और वन टाइम हेडशॉट मारना चाहता है। लेकिन अपने फ्री फायर कम्युनिटी में एक ऐसा बंदा है जिसने लोगों को मोटिवेट किया कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट मार के भी गेम को खेल सकते हो। और लिटरली गाइस सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट मैटर नहीं करता है, तुम बॉडी बॉडी मार के भी 1v4 कर सकते हो, बस दिमाग और खेलना आना चाहिए, ऐसा उस बंदे ने सिखाया था। और उस बंदे का गेम प्ले देख के तो भाई अंदर में आग लग जाती थी फ्री फायर खेलने की। गाइस आई होप कि आप लोग अभी समझ गए हो कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वेल गाइस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अल्फा फ्री फायर की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, आखिर मैं अल्फा फ्री फायर कहूँ या फिर अंकुश फ्री फायर कहूँ। अगर आप पुराने प्लेयर हो तो आपको पता होगा पहले इस चैनल का नाम अंकुश फ्री फायर था, 5 मिनट वाला चैनल, लेकिन बाद में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो गई तो अल्फा फ्री फायर हो गया। एंड जो अंकुश फ्री फायर है उसको भाई अलग चैनल बनाना पड़ा जिसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जो 5 मिलियन वाला चैनल है इसका नाम पहले अंकुश फ्री फायर था, तो इसमें जो गेम प्ले है ना वो अल्फा का हुआ करता था एंड ग्रैंड मास्टर में रैंक पुशिंग अंकुश किया करता था। अब जितनी मुझे कहानी पता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ हो गई होगी, पता नहीं भाई। कुछ रूमर्स तो ऐसे भी आए थे कि लड़की का चक्कर है बाबू भैया। तो गड़बड़ होने के बाद अल्फा ने सब कुछ उगल दिया और उसके बाद गाइस उल्टा अल्फा को ही हेट मिलने लगा। और कंट्रोवर्सी के पहले जो अल्फा को 5 मिनट वाला चैनल पे हर वीडियो में 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आया करते थे, अचानक से व्यूज भाई 100 के 200 के हो गए। अब आपकी तरह मेरे माइंड में चल रहा होगा कि भाई अचानक से 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज से 100 के 200 के व्यूज कैसे हो गए। देखो यार, लोग अल्फा के गेम प्ले के लिए आया तो करते थे, लेकिन अल्फा के रैंक टायर को देख के भी लोग आया करते थे। लाइक अल्फा सोलो वॉयस स्क्वाड गेम प्ले रिकॉर्ड किया करता था और अंकुश फ्री फायर ग्रैंड मास्टर पुश किया करता था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ग्रैंड मास्टर में ये बंदा 1v4 कर रहा है। और आपको पता नहीं हो तो बता देता हूं, पहले के टाइम पे ग्रैंड मास्टर का जो क्रेज था वो बहुत ज्यादा था, अभी के टाइम से 100 गुना ज्यादा था। फिर गाइस उसके बाद क्या ही कहने, अभी के टाइम पे अंकुश फ्री फायर अपना गेम प्ले अपलोड करते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं, लेकिन पहले इन कंपैरिजन से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पहले गेम प्ले बहुत ज्यादा जॉड हुआ करता था। एंड अल्फा फ्री फायर ने अपने चैनल को क्विट कर दिया, अब वो फ्री फायर की वीडियो अपलोड करते नहीं, मतलब वो कोई वीडियो अपलोड नहीं करते। और अगर आपको लग रहा है कि अल्फा ने नया चैनल बनाया तो नहीं, उसका नया चैनल नहीं है भाई, वो एक फेक चैनल है। अब गाइस बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की बंदी की तरफ। और इस बंदे के लिए तो लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कभी कभी तो रोना भी आता है। जो बंदा रैंक पुश कर रहा है ना उसके पीछे रीजन मैं बताऊं, भाई आप रैंक पुश क्यों करते हो, क्योंकि आपके अंदर क्रेज है। लेकिन ये क्रेज बनाया किसने था ये आपको पता है? आप मानोगे ना, ये बंदा पहले इतना था पॉपुलर था कि इसके नाम पे तो गाने भी बने यार, फैन मेड गाने, और वो फैन मेड गाने भी ओल्ड फ्री फायर कम्युनिटी में ट्रेंड हुआ करते थे। एंड गाइस यहां पे मैं बात कर रहा हूं, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा, यहां पे बात कर रहा हूं एसके सबीर बॉस की। आज के टाइम पे ये बंदा क्या करता है क्या नहीं किसी को नहीं पता, 1 महीने में मुश्किल से 3-4 वीडियो आ गई तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो भाई वीडियोस आती नहीं है 3-3 हफ्ते तक। एंड ये बंदा बॉस गिल्ड से था एंड बॉस गिल्ड के वजह से इसको काफी ज्यादा फेम मिला। एंड ये कहना गलत नहीं कि बॉस गिल्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस बंदे के पीछे भी, क्योंकि यार इस बंदे के नाम में हुआ करता था एसके सबीर बॉस। तो बॉस ने इसको फेमस किया है या इसने बॉस को फेमस किया है, दोनों क्रेडिट आधा आधा जाएगा, क्योंकि पहले की बात ही अलग थी यार। पहले के टाइम पे लोग 10,000 स्कोर भी नहीं कर पाते थे ग्रैंड मास्टर में, और ये बंदा 13,000-14,000 टॉप 1 ग्लोबल में हुआ करता था। अब आप बोलोगे भाई ग्लोबल क्या बोल रहा है, रीजन होता है वो तो। अरे भाई वो तो बहुत टाइम बाद रीजन हुआ, पहले ग्लोबल हुआ करता था, रैंक पुशिंग में ऑल ओवर जितने भी सर्वर है ना उसमें सब मिलकर रैंक पुश किया करते थे, इसलिए पहले उसको ग्लोबल कहा करता था। रीजन में तो भाई छोड़ ही दो, वो बंदा पूरे वर्ल्ड में टॉप 1 हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पे ग्रैंड मास्टर की इज्जत तो पूरी लूट ली गई है। अब बताओ यार आप लोगों को इन सब में सबसे ज्यादा सैड स्टोरी किसकी लगती है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।